नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, सागर में NSEOI की नौटंकी बदस्तूर जारी है। जी हाँ, नौटंकी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और 300 के ऊपर रोज आंकड़ा सामने आ रहा है। ऐसे में प्रदर्शन करना कहां तक जायज है, वो भी पूरी लाव लश्कर के साथ। दरअसल डिग्री कॉलेज के सामने धरने पर बैठे थे NSEOI कि छात्र, पुलिस ने हटाया तो नहीं माने, गिरफ्तार कर अस्थाई जेल भेजा गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि सागर में पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से कराने की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने डिग्री कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। ये पहला मौका नहीं, दूसरी बार किया गया है। लगातार ही ये मांग उठाई जा रही है। विद्यार्थियों के साथ NSEOI कार्यकर्ता डिग्री कॉलेज गेट के सामने जमा हुए। मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी शुरू की गई, लेकिन इस पूरे नारेबाजी और हो हल्ला के बीच में हम आपको बता दें, बिल्कुल भी कहीं सोशल फिजिकल डिस्टेंस देखने को नहीं मिला है और ये खतरनाक हो सकता है। प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इन प्रदर्शनकारियों पर। प्राचार्य से बात करते हुए कहा गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएँ ओपन बुक ऑनलाइन सिस्टम से कराई जाएँ। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्यकर्ता कॉलेज के सामने सड़क पर बैठ गए, जिससे मार्ग पर भी आवागमन प्रभावित हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर सड़क से हटने को कहा गया, लेकिन वे नहीं हटे। कोरोना संक्रमण और यातायात बाधित होते देख पुलिस ने फिर सख्त रुख अख्तियार करते हुए NSEOI के कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाया। कुछ को गिरफ्तार कर पुलिस वाहन से अस्थाई जेल भेजा गया। इसके बाद मामला शांत हुआ है, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन को आकर प्रशासन कैसे शांतिपूर्ण तरीके से देखता रहता है, जबकि कोरोना के केस जो है डबल बढ़ रहे हैं, दुगनी स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं। इस तरीके के प्रदर्शन बिल्कुल की भी नाजायज हैं। सागर टाइम्स न्यूज इस तरीके के प्रदर्शन को कभी भी समर्थन नहीं करता है। प्रशासन से अनुरोध करता है कि इस तरीके के प्रदर्शन शहर में बिल्कुल भी ना होने दिए जाए, नहीं तो कोरोना उस मुकाम पर पहुंच सकता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।